हेलो दोस्तों, टैली प्राइम क्लास की इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में वाउचर एंट्री के बारे में डिस्कस किया था। टैली प्राइम की इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में सीखेंगे। बैंक से रिलेटेड कई टाइप्स की एंट्रीज हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी होती है, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक चार्जेस जैसी एंट्रीज हमें अपने बुक्स में पास करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ट्रांजेक्शन को टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे ये सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़ और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक एंट्री की बात करते हैं, जो कि है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे वाउचर्स में। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट की F4 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रा वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में हमें लेना है कैश, टाइप करेंगे कैश और सपोज कीजिए मैंने बैंक में जमा कराया है 1 लाख कैश, तो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और फिर एंटर दबाएंगे। डेबिट में ले लेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है जिस बैंक में मैंने कैश जमा कराया है। सपोज कीजिए मैंने जमा कराया है SBI बैंक में, चूज़ कर लूँगा SBI बैंक और फिर एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पर टैली आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, आप इसको सिंपली क्लिक कर एंटर करके स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसको फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं। अभी मैं इनको स्किप कर रहा हूं और फिर स्किप करते करते यहां पे हम इसको एंट्री को सेव कर लेंगे। अब इसकी ओपोजिट एंट्री है जब हम बैंक से कैश निकालते हैं, मतलब कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्रेडिट में हम लेंगे बैंक अकाउंट, तो मैं अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और सपोज़ मैं बैंक से 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ डाल दी मैंने अमाउंट। अब यहाँ पर आप अमाउंट डाल के जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टैली आपको यहाँ से ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चेक सेलेक्ट हो रखा है। अब आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन टाइप भी दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको चेक, ई फंड ट्रांसफ़र और अदर्स लिखा दिखाई देगा। आप यहां पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन टाइप दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ATM, कार्ड, चेक, ECS, ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक DD और PO और अदर्स। तो आप यहां पे ट्रांजेक्शन टाइप देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं ये जो कैश विड्रॉ कर रहा हूँ ये मैं ATM से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ATM सेलेक्ट कर लूँगा और फिर ATM सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर करूँगा और फिर यहाँ पर डेबिट में हम ले लेंगे कैश विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर इसको एंटर करके ये एंट्री भी सेव कर लूँगा। अब बात करते हैं जब हमें अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मान लीजिए मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट है PNB में और मैंने अपने SBI बैंक अकाउंट से PNB बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट में सेलेक्ट करूँगा मैं अपना SBI बैंक अकाउंट, एंटर करूँगा। अब यहाँ पे फिर अमाउंट डालूँगा, सपोज़ कीजिए मैंने अपना 50,000 यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। तो अमाउंट डालने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो बैंक यहाँ पे फिर से ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैंने जो ट्रांसफ़र किया है वो किया है ई फंड ट्रांसफ़र, तो सेलेक्ट करेंगे ई फंड ट्रांसफ़र और फिर एंटर करके यहाँ पे अपना दूसरा बैंक अकाउंट जिसमें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ ले लेंगे PNB और फिर इस एंट्री को भी हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेंगे। दोस्तों, आप ये सारी एंट्रीज चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे डे बुक में, यहाँ पर आप अपनी सारी एंट्रीज चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का टाइप नहीं दिखाई देगा। अब ट्रांजेक्शन के टाइप को चेक करने के लिए आप वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पर नीचे यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे बैंकिंग के अंदर, फिर जाएंगे यहाँ से बैंक रिकंसिलेशन में
यहाँ पर आपको आपके सारी बैंक के जो लेजर्स हैं वो दिखाई देंगे। आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी एंट्रीज दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एंट्री दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन टाइप दिखाई दे रहा है। हमने सबसे पहले कैश डिपॉजिट कराया था तो यहाँ पर हमें कैश दिखाई दे रहा है। फिर हमने कैश विड्रॉ किया था जिसके लिए हमने सेलेक्ट किया था ATM, तो यहाँ पर ATM दिखाई दे रहा है। और फिर थर्ड हमने अब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था NFT के थ्रू, तो यहाँ पर हमें NFT दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप ट्रांजेक्शन टाइप भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब हम बैंक से कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी होती है। अब पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आप फिर से गेटवे टैली में जाएंगे वाउचर्स में। यहाँ पर आप शॉर्टकट की F5 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे हम बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं जो कि हम है हर महीने पे करना होता है, इसकी जनरल एंट्री बनती है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब हमें डेबिट मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। सपोज कीजिए मुझे पे करना है 5000 अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर अमाउंट डाल के एंटर करेंगे, यहाँ क्रेडिट में लेंगे अपना बैंक अकाउंट क्योंकि अभी हम बैंक से पे कर रहे हैं, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो ले लेंगे हम। और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे और सपोज़ कीजिए जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ रिफंड ट्रांसफ़र से, तो आप रिफंड ट्रांसफ़र ही रहने देंगे ट्रांजेक्शन टाइप, फिर एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। और सपोज़ कीजिए मुझे अपने बिजनेस में कोई रेंट भी पे करना है तो उसके लिए एंट्री होगी रेंट पे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर अपना लेजर सेलेक्ट कर लेंगे डेबिट में रेंट पे का, फिर अमाउंट डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट में अपना बैंक अकाउंट, फिर एंटर करके अमाउंट डालेंगे। अब सपोज़ कीजिए इस बार मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ ये मैं रिफंड ट्रांसफ़र से नहीं कर रहा, ये मैं चेक से कर रहा हूँ, तो ट्रांजेक्शन टाइप में चेक ही रहने देंगे और फिर इसको एंटर करके इस एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास दो मोड होते हैं, एक NEFT और दूसरा RTGS। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, NEFT में हम 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 2 लाख और उससे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें RTGS मोड का यूज़ करना होता है। टैली में हमें NEFT और RTGS के अलग अलग मोड नहीं दिखाई देते, पर जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं और उसमें अमाउंट डालते हैं तो टैली हमें अमाउंट के बेस पे NEFT और RTGS शो करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे अपने एक सप्लायर को जिसका नाम है किशोर, उसे 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र करना है, इसकी जनरल एंट्री बनेगी किशोर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर डेबिट में हम ले लेंगे किशोर अकाउंट, फिर यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालने के बाद हम उसे एंटर करते यहाँ पर क्रेडिट में लेंगे हमारा बैंक अकाउंट, फिर अमाउंट डालेंगे और फिर इसको एंटर करेंगे। अब ये जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं रिफंड ट्रांसफ़र से, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे रिफंड ट्रांसफ़र और फिर एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। ऐसे ही किशोर को हमें फिर से पे करेंगे, बट इस बार हम उसे पे करेंगे 1 लाख का अमाउंट, तो फिर से लेंगे किशोर अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे और फिर यहाँ पर फिर से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम रिफंड ट्रांसफ़र से कर रहे हैं, जैसे सेलेक्ट करेंगे रिफंड ट्रांसफ़र और फिर एंटर करके इस एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। अब दोस्तों हम इन दो एंट्रीज का ट्रांजेक्शन टाइप चेक करेंगे, जिसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाना है बैंकिंग में, यहाँ पर बैंक रिकंसलेशन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो लास्ट की दो एंट्रीज है जहाँ पर मेरा अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा का है वहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप RTGS शो हो रहा है, और जहाँ पर मेरा अमाउंट 2 लाख से कम है वहाँ पर जो मेरा ट्रांजेक्शन टाइप है वो NEFT शो कर रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो एंट्रीज है वो किस में शो कर रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई पेमेंट की एंट्री। अब हम बात करेंगे जब हमें अपने बैंक अकाउंट में कुछ जो अमाउंट रिसीव होते हैं तो उसके लिए आपको रिसीट वाउचर में एंट्री करनी होती है। और रिसीट वाउचर में जाने के लिए आप फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे वाउचर्स के अंदर। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट की F6 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर रिसीट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों सपोज़ कीजिए मुझे अपने एक कस्टमर जिसका नाम है राहुल, उससे मुझे कुछ बैंक में अमाउंट रिसीव हुए हैं,
इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तो यहाँ पर मुझे क्रेडिट में सेलेक्ट करना है राहुल, तो यहाँ डाल देंगे राहुल का अकाउंट। और फिर सपोज कीजिए मुझे रिसीव हुए हैं 1,00,000 रुपीज़, अमाउंट डाल देंगे और फिर डेबिट में लेंगे अपना बैंक अकाउंट और फिर एंट्री करके हम इसी एंट्री को भी सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।